झेलनी पड़ेगी शारीरिक पीड़ा या फिर रहेगा बेहतर स्वास्थ्य? करियर में मिलेंगी कितनी अपॉर्चुनिटीज? सफलता पाने के लिए करनी पड़ेगी कितनी मेहनत? तनाव मुक्त रहेंगे या फिर मेंटल हेल्थ करेगी परेशान? क्या स्टूडेंट्स को मिलेगा विदेश में पढ़ने का मौका? आपके भविष्य के रहस्यों को खोले टैरो कार्ड। क्या कहती है आपकी टैरो कार्ड रीडिंग? धर्म ज्ञान पर देखिए मार्च महीने से जुड़ी टैरो कार्ड भविष्यवाणियां। टैरो कार्ड रीडर डॉक्टर अर्चना जैन के साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबकी अपनी डॉक्टर अर्चना जैन। चलिए जी बात करते हैं हम लोग मकर राशि के बारे में कि मार्च में आप सबके साथ क्या होने वाला है। तो जानते हैं आपकी करंट सिचुएशन, आपके जॉब, बिजनेस, फाइनेंस के बारे में, जानेंगे स्टूडेंट्स के बारे में, आपकी हेल्थ के बारे में, या कुछ स्पेशल एडवाइस देनी होगी तो उसके बारे में। ठीक है, जानेंगे कुछ आपकी लव लाइफ के बारे में, भाई वो भी तो ज़रूरी है। भाई मेहनत का फल मिलने वाला है आपको, बहुत ही बढ़िया। बट कुछ चीज़ों का ख्याल रखने की बेहद ज़रूरत है कि पार्टी शार्टी करें तो अकेले में करें, दुनिया को दिखा के ना करें, क्योंकि दुनिया को आपकी खुशी बर्दाश्त नहीं होती। इस बात को ज़रा समझ लें, अगर समझ लेंगे तो लाइफ में प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, नहीं तो बढ़ जाएंगी। कोई आपकी खुशी से बहुत नाखुश है और आप अपने जॉब या बिजनेस में कोई ऐसा है जिसके ऑपोजिट आप बहुत अट्रैक्ट हैं और आप यही कोशिश करते हो कि शायद फिजिकली उनके टर्म्स को कंप्लीट करने के बाद आपको कुछ सक्सेस मिल जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। सो डोंट सरेंडर योरसेल्फ फॉर दिस स्टुपिड नॉनसेंस थिंग जो आप सोच रहे हैं। ठीक है, काम काम की जगह होता है, फिजिकल डिजायर्स अलग तरीके से होती हैं। सो डोंट कंपेयर योर वर्क विद योर फिजिकल डिजायर्स, क्योंकि कोई आपका फ़ायदा उठाने की कोशिश कर सकता है। तो अगर आपको मैं रोक रही हूँ तो किसी कारण से रोक रही हूँ, क्योंकि आप बहुत बड़े ट्रैप में फंस सकते हैं और अगर ये सिचुएशन आपकी लाइफ में आ गई तो आपकी लाइफ में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी, स्पेशली आपके वर्क और आपके फाइनेंसेस को लेकर। ठीक है, बात करते हैं अगर आप समझदारी से चले तो अब आपकी लाइफ में इंजॉयमेंट ही इंजॉयमेंट आने वाली है। बात करती हूँ आपकी पोजीशन की, आपको एक हायर पोजीशन मिलने वाली है अगर आपने अपनी पोजीशन और अपनी डिग्निटी का ख्याल रखा। पैसे की बात करें तो कमिंग टाइम में बहुत जल्दी आपके पास ढेर सारा पैसा आने वाला है और वो तभी आएगा जब आप अपनी डिग्निटी को मेंटेन करेंगे। अपने आगे किसी को भी आपने अपने आप को सरेंडर करके लीन ऑन नहीं करना। ठीक है, बहुत मेहनत करी है आपने, ऑलरेडी बहुत मेहनत करी है पोजीशन को पाने में, पर इसका मतलब ये थोड़ी है कि अब आपको पोजीशन मिलने वाली है तो आप अपने आप को किसी भी तरीके से नेगेटिव तरीके से आप सरेंडर कर दोगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। और ऐसा करने की ज़रूरत पड़ेगी तो भी आपने नहीं करना, आप क्विट कर सकते हो जॉब से, क्योंकि शायद आपका उस समय ये स्टैंड लेना कि सॉरी मैंने मेहनत करके इस पोजीशन में पहुंचा हूं या पहुंची हूं, मैं ये काम नहीं कर सकता। अगर आपने ये बात बोली और आपने बोला कि अगर आप मुझे एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे हो सकता है हम भी आपको एक्सप्लोर कर दें, ऐसा कुछ आपके पास हो सकता है। सबसे रेजोनेट नहीं होगा, बट जिनसे होगा वो ध्यान से समझे इस बात को, समझदार को इशारा काफ़ी होता है। ठीक है, आपकी लाइफ में आपको स्टेबिलिटी चाहिए, आपको पता है व्हाट इज़ गुड एंड व्हाट इज़ बैड, यू आर गुड इनफ टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग, है ना। तो चीज़ों को सही समय पे फ्रूटफुल तरीके से अगर आपको रिजल्ट चाहिए तो आपने उसी डायरेक्शन में सही तरीके से काम करना है। बात करती हूँ स्टूडेंट्स की, तो उनकी तो होने वाली है बल्ले बल्ले, बहुत मेहनत करी है आपने और अब आपको उस रिजल्ट का वेट है जो आपको बहुत खुशी देने वाला है। ठीक है, चलिए जानते हैं कुछ स्पेशल डिज़ायर्स या कुछ स्पेशल आपके लिए एडवाइस। देखो, आप बहुत ज़्यादा क्रेव करते हो प्यार के लिए कि आपको सही प्यार मिले, बट उस प्यार का मतलब ये नहीं है कि आप अपने आप को सरेंडर कर दो। सामने वाला जब आपकी वर्थ समझेगा, आपको रिस्पेक्ट देगा, तो डेफिनेटली आपको प्यार मिल ही जाएगा। सो डोंट चेज, ऑलवेज अट्रैक्ट। तो ऐसा बनिए आप कि सामने वाला
आपकी वर्थ समझ के आपके पास आए। मैं आपको बहुत शॉर्ट एंड क्रिस्पी बातें बोलती हूँ, हो सकता है कई बार कुछ चीजें मेरी कड़वी भी लगे, बट जो समझा रही हूँ आपके भले के लिए समझा रही हूँ, ठीक है। मून का कार्ड ये बोलता है कि जो परसेप्शन है ना अभी तक, जो आप चीजें सोचते आए हो उसको समझ लो। और टॉरस आपके चार्ट में कभी भी हो सकता है सेकंड हाउस में हो, कहीं भी हो, तो आपको एक कल्टीवेट करने की जरूरत है, मतलब चीज़ों को सही तरीके से सॉर्ट करने की जरूरत है। जब आप करोगे तो आपको बहुत जल्दी से क्लैरिटी मिल जाएगी। डिसेप्शन का कार्ड है, यस फंसे हो, यू आर ट्रैप्ड, बट मुझे लगता नहीं है ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत है। यू हैव सो मेनी वेज टू मूव ऑन। अगर आपके अंदर कैलिबर है तो आपके पास पता नहीं कितनी जॉब्स और कितनी अपॉर्चुनिटीज आपके सामने खड़ी हैं। वाई टू बी इन अ फियर, कुछ नहीं है, जो होगा बहुत अच्छा होगा आपकी लाइफ में, नथिंग टू वरी, ठीक है। चलिए जानते हैं आपकी लव लाइफ के बारे में, देखते हैं आपके पार्टनर आपको क्या कहना चाहते हैं। आई एम ओवर यू, आई हैव टोल्ड माई फैमिली हाउ मच आई लव एंड केयर अबाउट यू, आई मिस यू टेरिबली, माई गुडनेस, आई ट्राई टू फोगेट यू बट आई कैन नॉट, है ना। बहुत कोशिश करी जाती है लेकिन इंसान भूल नहीं पाता, जो रियल चीज़ें होती हैं वो नहीं भूली जाती हैं, ठीक है। नो वन कंपेयर्स टू यू, आई हैव नेवर फेल्ट द वे यू हैव गिवन मी द फीलिंग फॉर यू, माई गुडनेस, आई एम अफ्रेड ऑफ यू, आई हैव वॉल्स अराउंड माई हार्ट एवर सिंस आई वॉज लास्ट ब्रोकन, मतलब कोई पास्ट हिस्ट्री ऐसी है जिसकी वजह से आज ये डिसीजन बहुत सोच समझ के लिया जाया है, बट ठीक है। आई एम जेलस ऑफ यू, आई कैन नॉट सी यू विद समवन एल्स, आई कैन नॉट शेयर यू, है ना। ये डेफिनेटली वही पार्टनर बोल सकते हैं जो वाकई में आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, आपकी वैल्यू करते हैं और आपको पता है वो कौन है। मैंने जिनके बारे में बताया है यू नो वेरी वेल कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ, ठीक है। चलिए बात करते हैं आपके लव कार्ड्स के बारे में, क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। वही अनरिक्वायर्ड लव को से बाय बाय एंड वेलकम टू द ओरिजिनल वन, क्योंकि आपकी एंगेजमेंट होने वाली है, द ट्रू लव इज इन योर लाइफ नाउ, सो समबडी इज कमिंग एंड एंटरिंग, वर्थ वेटिंग फॉर। जितनी वेट करी है उसका डेफिनेट रिजल्ट तो मिलेगा, तो पे अटेंशन टू रेड फ्लैग्स। जितने भी लोग हैं जो आपको सही सर्व नहीं करते थोड़ा ध्यान रखो कि बहुत जल्दी आपकी लाइफ में चीज़ें बदलने वाली हैं, और जो भी पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है ना उसे अपनी लाइफ से निकाल दीजिए, लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू आउट, है ना। तो जिनके बारे में आप सोच रहे हैं शायद वही हैं, दिस कुड बी द वन, ठीक है। चलिए जी चलते हैं, मिलती हूँ बहुत जल्द अपनी नई वीडियोस के साथ। उसके अलावा फिर भी कोई जानकारी चाहिए तो नीचे दिए हुए नंबर पे ओनली व्हाट्सएप मैसेजेस, नो कॉल, अपॉइंटमेंट्स के लिए सिर्फ मैसेज कीजिए, वहीं से आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी, ठीक है। नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स पे कमेंट करना ना भूलिएगा, और उसके अलावा फिर भी कोई और जानकारी चाहिए हो तो मैं हूँ, पर्सनल रीडिंग्स कभी भी फ्री नहीं होती। देखते रहिए, मिलती हूँ बहुत जल्द अपनी नई वीडियोस के साथ। मैं आप सबकी अपनी डॉक्टर अर्चना जैन, प्यार और आभार।